श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दर्शकों, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, आप आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, तो प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय करिएगा। यह उपाय प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल में करना है। तो हम बता देते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है, तो आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी प्रदोष के दिन आप यह उपाय करेंगे। किसी भी दिन पड़ती हो प्रदोष, उससे दिन से मतलब नहीं है, सिर्फ प्रदोष से मतलब है। 3 लोटे में दूध ले लेना है। लोटा पीतल का होना चाहिए या फिर स्टील का ले सकते हैं, तांबे का नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और 3 लोटों में आप थोड़ा सा जौ डालें, काले तिल डालें, 3 लोटों में काले तिल और जौ डालें, और कूशा के कुछ पत्तियां डालें, यानी कूश जो होती है जिसे हम पहनते हैं उंगलियों में या फिर आप पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाती है, वह कूशा के आप लोटे में डाल लें, थोड़ी थोड़ी कूशा 3 लोटे में डाल लें। और उस पात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे, एक पात्र पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाना है, आपको समर्पित करना है। एक दूध का पात्र आपको बड़ के नीचे समर्पित करना है और एक पात्र आपको बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना है। आपके घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होगी। अगर आप निर्धन हैं तो धनी हो जाएंगे। व्यापार व्यवसाय ठीक चलने लगेगा। दुकान फैक्ट्री हो वो भी ठीक चलने लगेगी। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन तुरंत ही होगा। आप यह उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करें तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपको धन संपदा की कोई भी कमी नहीं रहेगी। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है, यह बात आप याद रखें। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही आपको यह उपाय करना है। शाम का वक्त कहलाता है प्रदोष का काल। पीपल वटवृक्ष और बेल के नीचे आप दिया भी लगाएं, घी का दिया जरूर लगाएं, दूध समर्पित करें, और यह विधि आपको प्रदोष काल में करनी है, प्रदोष के दिन करनी है। दर्शकों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो हमने पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखाए हैं सामग्री के साथ। अगर आप और भी उपाय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ें, हमारे वीडियोज़ को देखें, आपको हर परेशानी का समाधान मिलेगा। आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।